नाजरीन, पबजी इस वक्त दुनिया की मशहूर गेम्स में से एक है और पबजी का बुखार पूरी दुनिया में फैल चुका है और लोग इसको लेकर जुनूनी हो गए हैं और बाज तो पबजी की वजह से किसी भी हद तक जा सकते हैं और लत चाहे जिस चीज की भी पड़ जाए खतरनाक ही होती है। आज हम आपको इन जुनूनी लोगों के बारे में बताएंगे जिनके लिए पबजी अब जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। पबजी से मुतालिक सबसे पहली कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये कहानी चाइना में रहने वाले 13 साल लड़के की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 30 अक्टूबर 2018 को इस लड़के ने फ्लैट से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ये फ्लैट चौथे फ्लोर पर था, मगर इसने छलांग क्यों लगाई ये बात निहायत अफसोसनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़के को पबजी खेलने का जुनून की हद तक शौक था। ये छलांग लगाने से पहले अपनी आईपैड पर पबजी खेल रहा था। ये अपने दोस्तों को बताया करता था जिस तरह कोई करेक्टर बिल्डिंग से छलांग मारकर बच जाता है, वैसे ही ये देखना चाहता था कि असल जिंदगी में छत से छलांग लगाकर ये जिंदा बच सकता है कि नहीं। बस यही देखने के लिए इसने चौथे फ्लोर से छलांग लगा दी और इस लड़के की मौत वाकई हो गई। दोस्तों, अगली कहानी कुर्दिस्तान से है। ये कहानी एक बदकिस्मत लड़के आजाद मोहम्मद की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हुआ कुछ यूं कि नवंबर 2018 में इस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ रियल लाइफ में पबजी खेलने का फैसला किया, यानी मिमिक करने का फैसला किया, और इनके पास शॉटगन भी थी और उन्होंने मजाक मजाक में शॉटगन के साथ खेलना शुरू कर दिया जैसे पबजी में खेला जाता है। लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं था कि ये गन लोडेड थी और इसी दौरान ये वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर खेलते खेलते ये गन चल पड़ी और गोली सीधी जाकर आजाद मोहम्मद को लगी और इसकी मौत वाकई हो गई। दोस्तों, अगली कहानी यूएई से है। एक औरत ने पुलिस स्टेशन में अपने शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उनके बीच काफी शदीद लड़ाई हो चुकी है और वो अपने शोहर से तलाक लेना चाहती है, लेकिन तलाक लेने की वजह सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल औरत को पबजी खेलने का जुनून था और इसके शोहर को ये बात बिल्कुल पसंद ना थी। इसने अपनी बीवी को रोकने की बहुत कोशिश की मगर उनकी बात तलाक तक पहुंच गई। इस औरत ने अभी भी अपने शोहर से पबजी की वजह से तलाक के लिए केस फाइल किया है। दोस्तों, अगली कहानी इंडिया से है जहाँ एक लड़के ने पबजी की वजह से अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया था। ये हैरान कर देने वाला केस इंडिया के कैपिटल दिल्ली से है। अक्टूबर 2018 में एक 19 साल लड़के ने अपने पेरेंट्स और बहन को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि वो इसे पबजी खेलने से रोकते थे। इस लड़के को पबजी को लेकर इतना जुनून था कि इसने दोस्तों के साथ मिलकर किराए पर एक कमरा भी लिया हुआ था जहां ये स्कूल जाने के बजाय पबजी खेला करते थे। इसके वालिदैन को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इसको काफी डांटा और रोकने की भी कोशिश की, लेकिन इस लड़के ने पिस्टल से अपनी फैमिली का कत्ल कर दिया और अपने घर को ऐसा बना दिया कि घर में कोई डाका पड़ा हुआ हो और इस वजह से इसकी फैमिली का कत्ल कर दिया हो। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और अफसोसनाक वाकया भी इंडिया में पेश आया जब अप्रैल 2019 में एक 16 साल लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। इस लड़के ने खुदकुशी इस बात पर की कि इसे पबजी खेलने का जुनून था और इसकी माँ इसे पबजी खेलने से रोका करती थी क्योंकि ये अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा था। सिर्फ इसी बात से दिलबर्दाश्ता होकर इसने अपने आप को रस्सी से लटका लिया। दोस्तों, मार्च 2018 में अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर तलवार से हमला कर दिया था, लेकिन इस हमले की वजह क्या थी ये भी हैरान कुन है। इसकी वजह ये थी कि इसका बॉयफ्रेंड हर वक्त पबजी खेला करता था और इसको टाइम नहीं देता था। उसका बॉयफ्रेंड तो बच गया लेकिन इस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, पबजी या कोई और गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मसला तब होता है जब हम किसी भी चीज को अपना जुनून बना लेते हैं और इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, और यकीनन ऐसा करना गलत होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अपना खास ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।